हे गाइस, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कुक कुकिंग पे। दिस इज माई प्रथम वीडियो ऑन YouTube एंड आज मैंने पहली वीडियो में बनाया है हैप्पी हैप्पी बिस्किट से केक। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा केक है। इस केक को बनाने के लिए हमें किसी भी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने ही घर में ढूंढने पे आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल वाली स्पून शुगर, 1 टेबल वाली स्पून ऑयल एंड आधे गिलास से थोड़ा सा ऊपर मिल्क एंड हैप्पी कर देने वाले 4-5 रुपए वाले हैप्पी हैप्पी बिस्किट्स। अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल गोल गोल बाउल लिया है एंड इस बाउल में हम अपने बिस्किट की जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेंगे। एंड मैंने यहाँ पे कोई भी फ्लेवर वाले बिस्किट यूज़ में नहीं लिए हैं, मैंने नॉर्मल चोको चिप्स वाले बिस्किट यूज़ में लिए हैं। तो ये लीजिए, हमारे बिस्किट की अनबॉक्सिंग हो चुकी है एंड अब हम यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लेंगे एंड हमारे सारे बिस्किट इस जार में डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इसी मिक्सी के जार में हम अपनी शुगर भी यहाँ पर इसी के साथ डाल देंगे एंड चलो जल्दी से फटाक से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमें बहुत ही अच्छे से इसको ग्राइंड करना है एंड हमारे सारे बिस्किट बहुत ही अच्छे पीसे जाने चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है एंड मैंने इसको यहाँ पे दबा के ग्राइंड किया है एंड जल्दी से हम इसको अपने यहाँ पे बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये देखो, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड किया है एंड इसमें कोई भी बिस्किट का एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हुआ है। आपको भी अपने बिस्किट को इसी तरह से ग्राइंड करना है एंड अब हम इसमें यहाँ पे ऑयल मिक्स कर देंगे। ऑयल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें मॉइस्चराइज़र बना रहे एंड ये हमारे दांतों से न चिपके। ऑयल डालने के बाद हम इसको यहाँ पर 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें यहाँ पर मिल्क डाल देंगे एंड ध्यान रखना मिल्क को एक साथ मत डालना, हाफ हाफ करके डालना। हमने हाफ मिल्क यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है एंड अब हम इसमें बचा हुआ मिल्क और डाल देंगे एंड देन इसको अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है एंड अब हम इसमें हमारा यहाँ पे बचा हुआ दूध और डाल देंगे एंड इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इट मीन्स इसको घुमाना है और घुमाते ही रहना है। हमारा बैटर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है एंड इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है एंड मिक्स करते रहना है। ये देखिए हमारा बैटर कितना अच्छे से रेडी हुआ है एंड इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। ओफो, हमें इसको इतना भी नहीं घुमाना है कि हम इसको घुमाते हम खुद ही घूम जाएंगे एंड हमारा बैटर अब यहाँ पर रेडी है एंड योर बैटर इज रेडी टू टेक ऑफ। हमारा बैटर तो अब रेडी है एंड अब हम इसमें इनो डालेंगे। जी हाँ, हमने यहाँ पे इनो का यूज़ किया है। आप चाहो तो बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे बेकिंग पाउडर उतना सक्सेसफुल नहीं लगता जितना कि इनो है। इनो डालने के बाद हम इसको फिर से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इनो पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये देखिए, इनो डालने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद हमारा बैटर काफ़ी फूल गया है। अब इतने अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद एंड इसको इतना घुमाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। मैंने इस पर नॉर्मल प्लेट लगाई एंड इसको साइड में कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा एल्यूमिनियम का बाउल लिया है। आप चाहो तो सिल्वर का भी ले सकते हो बट मैं एल्यूमिनियम ही प्रेफर करूँगा। अब हमें इस बाउल के चारों ओर अच्छे से ऑयल लगाना है। ध्यान रखना, हमें ऑयल ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है और बहुत कम भी यूज़ नहीं करना है। आप ऑयल की जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो बट सभी के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल से बताया है। अब इसके बाद हमने एक कटोरी में यहाँ पे ऑल पर्पज फ्लोर यानी कि मैदा लिया है एंड अब हम इस मैदे को हमारे बॉल में चारों ओर स्प्रिंकल कर देंगे। ध्यान रखना, हमारे बॉल के चारों ओर मैदा बहुत ही अच्छे से हमें लगाना है। ये देखो, इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से अपने बॉल के चारों ओर मैदा स्प्रिंकल करना है। और अब ये बॉल हमारा यहाँ पर अच्छे से रेडी है, तो अब मैं इस बॉल को साइड कर दूँगा।
बाउल को साइड करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है एंड इस कढ़ाई में मैं अच्छे से नमक को स्प्रेड कर दूंगा। ध्यान रखना मैदा चारों ओर कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड हो। मैंने इस रेसिपी को इजी बनाने के लिए ही यहाँ पर कढ़ाई का उपयोग किया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में एक छोटा स्टैंड रखा है, आप नॉर्मल कोई भी स्टैंड काम में ले सकते हो। अब स्टैंड रखने के बाद मैंने अपने कढ़ाई को गैस पर प्री हीट के लिए रख दूंगा। ध्यान रखना आपकी गैस की फ्लेम मीडियम हो। अब मैंने कढ़ाई को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर प्री हीट के लिए रख दिया है एंड आप कढ़ाई को किसी भी नॉर्मल प्लेट से ढककर रख सकते हो। तो चलिए अब हम इसी के साथ अपने बैटर के पास वापस चलते हैं और देखते हैं उसके क्या हालचाल है। तो देखिए हमारा बैटर पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो गई है एंड ये पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है एंड उसका बॉल भी रेडी है। तो अब हम हमारा बैटर अपने बॉल में डाल देंगे। तो चलिए जल्दी से बॉल में हमारा बैटर डालते हैं। बॉल में डालने से पहले मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगा एंड देन इसको बॉल में प्लेस कर दूँगा। तो ये लीजिए, अब मैं अपना बैटर अपने बॉल में डाल रहा हूँ। ये देखो हमारा बैटर बहुत ही अच्छा है एंड आई एम श्योर इससे केक भी हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तत्पश्चात हम अपने बॉल को 10 से 15 बार टैप करेंगे जिससे हमारे बॉल में या हमारे बैटर में जो भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स है वो निकल जाए एंड हमारा बॉल अच्छे से चारों ओर स्प्रेड हो जाए। तो अब मैं इसको अपनी कढ़ाई में रखूँगा जो हमने प्री हीट होने के लिए गैस पे रखी थी। हमारी कढ़ाई प्री हीट होकर पूरी तरह से रेडी है, तो मैं इसका ढक्कन हटाऊँगा एंड इसको कढ़ाई में रखूँगा। तो कढ़ाई में हमारे बैटर को रखने के बाद मैं इस पे वापस प्लेट लगा दूँगा एंड इसको ढककर 20 मिनट के लिए, ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। तो चलिए इसको टाटा कर देते हैं एंड मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, केक भी हमारा रेडी है। अब मैं इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लूँगा, यदि टूथपिक क्लीन आ रही है तो हमारा केक पूरा रेडी है। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, तो हमारा केक पूरी तरह से पक चुका है, एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारे केक की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड इसको निकाल लेते हैं इस बॉल से बाहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड इसमें हमारे केक की जान को खतरा भी हो सकता है, मतलब हमारा केक यहाँ पे टूट सकता है, तो ज़रा बचकर और ध्यान से। तो प्रार्थना कर लेते हैं ऊपर वाले से एंड कर लेते हैं अपनी फिंगर क्रॉस एंड निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो 1 2 3 फिंगर क्रॉस एंड ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा केक बना है, कि काफ़ी अच्छा केक बना है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है और ये स्पंजी भी काफ़ी है। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा केक बना है, ये कहीं से भी नहीं टूटा है। तो अब हम हमारे केक को ब्यूटी पार्लर लेके चलते हैं और करते हैं इसका मेकअप, गाइस इसको डेकोर करते हैं। ये देखिए गाइस अभी से ही इसका इतना प्रीमियम लुक आ रहा है, तो आफ्टर डेकोरेशन तो इसका लुक क्या ही आएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो ये देखिए गाइस आफ्टर डेकोरेशन कितना अच्छा लुक आ रहा है हमारे केक का, ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना एंड किसी भी ओकेज़न पे आप इस केक को बनाकर अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स को सरप्राइज़ कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो बाहर वाले केक में बिल्कुल नहीं है, कि इसमें आपके हाथों का प्यार है। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।